इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि KTM Duke 200 एंड RC 200 का जो गियर बॉक्स है उसकी फिटिंग या असेंबली कैसे करी जाती है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कौन से गियर का टीथ काउंट कितना है और वो कौन से गियर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब थर्ड गियर कौन सा है, फोर्थ गियर कौन सा है, सारी चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ कौन सा शिम कहाँ पर लगेगा, कौन सा वॉशर कहाँ पर लगेगा, बुशिंग कहाँ पर लगेगी, सरक्लिप कहाँ पर लगेगी, बेसिकली A to Z डिटेल में आपको जो गियरबॉक्स की असेंबली है वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो बस अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा अपनी जो असेंबली है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ये जो फ्रेम अभी देख रहे हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये वीडियो आपको बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार आप जो गियरबॉक्स है उसकी फिटिंग कैसे होती है वो समझ लें और उसके बाद में जब भी आपको फिर से सेम गियरबॉक्स रिबिल्ड करना हो तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपके काम आ जाएगा। एंड विद दैट सेड एंड डन, अभी मैंने बेसिकली क्या करा है, ये हमारी इनपुट शाफ्ट है और ये इसके सारे गियर्स, वॉशर, सर्क्लिप्स, बुशिंग्स, लॉक्स सारे के सारे यहाँ पर मैंने अरेंज कर दिए हैं। सेम गोज विद द आउटपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट ये रही एंड इसके जितने भी गियर्स हैं उनको यहाँ पर अरेंज कर दिया है। साथ ही साथ इनके जो टीथ काउंट है, मतलब ये जो इनमें दांते हैं, इनको मैंने काउंट करके यहाँ पर लिख दिया है और उसी के साथ मैंने नीचे लिख दिया है गियर का नंबर। तो हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें हम गियर्स कैसे आइडेंटिफाई करें, वेल जो सबसे बड़ा गियर होगा साइज में उसका फर्स्ट गियर होने वाला है आउटपुट शाफ्ट का, और वैसे ही जैसे जैसे छोटे गियर्स होते जाएंगे साइज में वो बड़े गियर होते जाएंगे। मतलब आउटपुट शाफ्ट में उल्टा सीन है, जो सबसे बड़े साइज का गियर होगा वो सबसे छोटा गियर होगा, यानी कि सबसे बड़ा फर्स्ट गियर होगा और सबसे जो छोटा है वो सिक्स्थ गियर होने वाला है। इनपुट शाफ्ट में जो लॉजिक है वो हमारा सिंपल वाला है, यानी कि छोटा जो गियर है साइज का वो फर्स्ट गियर होगा और जो सबसे बड़ा गियर होने वाला है वो हमारा सिक्स्थ गियर रहेगा। तो इस केस में ये सबसे बड़ा गियर है तो इसलिए ये सिक्स्थ गियर है। तो इस तरीके से जो गियर्स उनको आइडेंटिफाई करा जाता है। अब इनके टीथ काउंट और जो गियर नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी सीधा जो अपनी असेंबली है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है कार्पियम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कार्पियम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपरली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी चल रही है इनकी फेस्टिव सीजन सेल, जिस पर इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट वो देखने को मिलने वाला है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट एंड अभी बैक टू द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं अपनी जो इनपुट शाफ्ट है उससे। तो इसमें जो फर्स्ट गियर है इसका वो बिल्ट इन है, अगर इसको आपको चेंज करना है तो आपको शाफ्ट को ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा परमानेंटली लगा रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज जो हमें लगानी है वो है ये वॉशर। इसको आप एज ए शिम भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे जो गियर लगेगा और ये जो गियर है इनके बीच में ये एक स्पेसर टाइप या फिर शिम टाइप चीज़ का काम करता है, जिससे कि इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके। तो ये लग गया। उसके बाद में हमारा जो सिक्स्थ गियर है वो लगने वाला है। तो इसमें ये वाली डायरेक्शन हम इस तरफ रखेंगे, ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगेगा। एंड ये जो जितने भी गियर्स वगैरह मैं लगा रहा हूँ तो अभी मैं इन पर ऑयल वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो इंजन ऑयल है वो ज़रूर से यूज़ करना है। मेरा यूज़ ना करने के पीछे का रीज़न ये है कि ऑयल लगते ही ये रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं और फिर जो कैमरा है वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है। तो मैं ये सब करने के बाद में ऑयल लगा लूँगा। आप अगर साथ साथ ऑयल लगाते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर बारी आती है ये जो कॉलर है या फिर स्लीव, जो भी आप इसको बोलना चाहें, इसको लगाने की। तो ये वाली साइड हम बाहर की तरफ रखते हुए लगाएंगे और ये बेसिकली ये जो गियर है इसके अंदर जा कर के लगेगी, क्योंकि ये जो गियर है इसमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है और ये हमारा जो ये मूवमेंट है उसको किल कर देगी। तो अभी हमारा जो गियर है वो काफ़ी स्मूथली रोटेट हो रहा है एज यू कैन सी। उसके बाद में हम लगाने वाले हैं इस वाले वॉशर को। इसमें ये कट्स बने हुए हैं जो हमारा गियर है उसकी जो स्प्लाइंस हैं उसके लिए। तो इसको आप स्प्लाइन वॉशर से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं। इट इज़ जस्ट कि इसको लगाते टाइम आपको ये जो स्लॉट्स हैं इनको मैच करना पड़ेगा। तो इसको लगा करके यहाँ पर ड्रॉप करना है। और फिर बारी आती है ये जो सरक्लिप है इसको लगाने की। तो इसको लगाने के लिए ये एक सरक्लिप प्लायर आता है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इस सरक्लिप प्लायर के जो एंड्स हैं उनको यहाँ पर रख के कुछ इस तरीके से इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे और फिर इसको इधर से इंसर्ट करेंगे। और जैसे कि आपको यहाँ पर ये कट दिख रहा है वैसे ही यहाँ पर एक कट है, एक प्रॉपर स्लॉट है जिसमें ये जो सर्कलिप है ये जाकर के लॉक होने वाली है। तो मैं ये काफ़ी सारे वीडियोस में दिखा चुका हूँ, ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको लगाने में।
तो मैं इसको लगा लेता हूँ और फिर आगे का जो स्टेप है उसकी तरह मूव ऑन करेंगे। जो कि होने वाला है हमारा थर्ड एंड फोर्थ गियर है, दोनों को एक साथ लगाना। अब ये दो गियर्स एक ही जो गियर है उसमें बिल्ट इन है, तो इसीलिए इन दोनों को एक साथ बोला जा रहा है। और इनको लगाने की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि जो स्मॉल गियर है जिसमें कम टीथ्स हैं वो हम बाहर की तरफ रखेंगे, और जो बड़ा गियर है जिसमें ज़्यादा टीथ्स हैं उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे। सो ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है। एंड इसका जो सेलेक्टिंग मैकेनिज्म है वो आप अभी देख सकते हैं, ये जब हम दूसरा गियर शिफ्ट करेंगे तब यहाँ तक आएगा, तो ये रोटेट करेगा और इसके अंदर ये प्रॉपरली स्लाइड इन हो रहा है। तो ये हमारा लग गया। अब यहाँ पर लगेगी फिर से ये सरक्लिप, तो इसको लगाते हैं। देयर वी गो, यहाँ पर हमारी जो सरक्लिप है वो लग चुकी है। लगाने के बाद में सरक्लिप को थोड़ा सा रोटेट करके चेक करना रहता है कि ये इसका जो स्लॉट है उसमें प्रॉपरली बैठी है या नहीं। उसके बाद में फिर से जो स्प्लाइन वॉशर है उसको लगाना है, तो इसको भी आप कैसे ही लगा सकते हैं। देयर वी गो। फिर बारी आती है ये वाला गियर लगाने की, जो कि हमारा फिफ्थ गियर है एंड इसमें टोटल 22 टीथ्स हैं। और इसमें प्लेन साइड उसको बाहर रखेंगे, कट वाली साइड उसको अंदर रखेंगे, तो ये ऐसे लगेगा। और जब शिफ्टिंग की बारी आएगी तो ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट होना, सो वी आर गुड टू गो। फिर बारी आती है जो सेकेंड गियर है उसको लगाने की, तो वैसे तो इन माई ओपिनियन इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो साइड है ये हल्की सी टेपर्ड है और ये साइड एकदम फ्लैट है, तो फ्लैट साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो स्लाइट टेपर्ड साइड है उसको हम ऊपर की तरफ रखते हुए लगाएंगे, तो ये कुछ ऐसे लगेगा। एंड फिर इसके ऊपर ये जो वॉशर है ये हम ड्रॉप कर देंगे और हमारी जो इनपुट शाफ्ट है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। तो अभी बारी आती है आउटपुट शाफ्ट को असेंबल करने की। तो आउटपुट शाफ्ट में सबसे पहले वाला जो रीसेस है उसमें ये एक ओरिंग लगती है, तो सबसे पहले इसको केयरफुली यहाँ तक लेकर के आना है और लगाना है। वैसे अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर द टाइम ये ओरिंग हार्ड हो जाती है और फिर जो ऑयल सीपेज है या लीकेज है उसको ये प्रॉपरली रोक नहीं पाएगी, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप इसको रिप्लेस कर दें। उसके बाद में जो गियर्स हैं उनको असेंबल करना है, तो यहाँ पर एक सरक्लिप लगी हुई है जिसको मैंने निकाला नहीं है, बिकॉज सब कुछ निकल चुका है, खाली ये सरक्लिप लगी हुई है तो इसको मैंने रहने ही दिया है। अगर आपने निकाल लिया है तो समझ लें कि वो जो सरक्लिप है वो यहाँ पर लगने वाली है। एंड उसके बाद में इसी सरक्लिप के इस वाली साइड ये जो वॉशर है इसको हम लगाने वाले हैं, सो ये यहाँ पर आएगा। उसके बाद में लगेगा हमारा सेकेंड गियर, और जैसा कि मैंने बताया था कि जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें उल्टा होता है, जो सबसे बड़ी साइज़ का गियर है वो फर्स्ट गियर होने वाला है और जो सबसे छोटी साइज़ का गियर है वो सिक्स्थ गियर होने वाला है, तो इसलिए ये हमारा सेकेंड गियर है, फर्स्ट गियर हमारा ये रहा। एनीवेज इसकी ये वाली जो साइड है जिसमें ये कटआउट है या फिर खड्डा है, जो भी आप समझना चाहें, इसको हम बाहर रखेंगे, प्लेन साइड है उसको हम कुछ बेसिकली इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। फिर लगाएंगे इस कॉलर को, तो ये जो कॉलर है ये कुछ इस तरीके से लगेगी, यहाँ पर जा कर के कुछ इस तरीके से ये इसको होल्ड करेगी। फिर लगानी है सरक्लिप, यहाँ पर एक रीसेस है उसमें ये जो सरक्लिप है ये जा कर के लगने वाली है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद में जो फिफ्थ गियर है उसको लगाना है, तो फिफ्थ गियर में ये वाली जो साइड है, मतलब जो बड़ी साइड है जिस साइड गियर लगा हुआ है उसको हम अंदर रखेंगे और जो छोटे वाली साइड है उसको हम बाहर, सो इट विल गो लाइक दिस, और इंगेज भी ये प्रॉपरली हो रहा है। अभी यहाँ पर ये जो रिसेस है इसमें फिर से एक जो सरक्लिप है उसको लगाना है, देयर वी गो। उसके बाद में अगेन जो स्प्लाइन वॉशर है उसको लगाना है, सो लेट्स ड्रॉप इट, ये आ गया। फिर लगाएंगे अपना जो थर्ड गियर है उसको, तो इसमें प्लेन साइड बाहर रखेंगे एंड जो कट वाली साइड उसको अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा एंड जो शिफ्टिंग है वो भी प्रॉपरली हो रही है। फिर यहाँ पर बीच में एक प्रॉपर शिम लगेगा, मतलब ये जो वॉशर है ये बाकी सबसे थिक है साइज़ में, तो ये यहाँ पर आएगा। एंड देयर आफ्टर ये जो गियर है इसमें हम कट वाली साइड बाहर रखेंगे, प्लेन साइड है वो अंदर रखेंगे, सो ये कुछ ऐसे लगेगा। उसके बाद में फिर से एक जो स्प्लाइन वॉशर है उसको लगाएंगे एंड यहाँ पर लगेगी एक सरक्लिप। आफ्टरवर्ड्स सिक्स्थ गियर है उसको लगाना है, तो इसमें जो छोटे वाली साइड है वो अंदर रखेंगे और जो बड़े वाली साइड है जिसमें गियर अटैच्ड है उसको बाहर रखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से लगने वाली है। उसके बाद में लगेगी ये कॉलर, तो कॉलर में ये वाली जो साइड है ये हम नीचे रखेंगे, इट विल गो लाइक दिस। एंड ये जो गियर है ये हमारा लास्ट गियर है, बट ये फर्स्ट गियर है, सो इसकी प्लेन जो साइड है वो बाहर रहेगी एंड ये वाली जो साइड है अंदर रखेंगे एंड ये कुछ ऐसे लगेगा। एंड लास्टली हमारा जो वॉशर है वो लग जाएगा। तो ये हो गई हमारी आउटपुट शाफ्ट भी रेडी।
और इन दोनों शाफ्ट्स को इंजन में लगाते टाइम हम इनको कुछ इस तरीके से अलाइन करके लगाने वाले हैं। तो बस गाइस, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो गियर बॉक्स है उसकी असेंबली कैसे करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।